हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन वानसुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रकरण पद परिचय लगातार चल रहा है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला उदाहरण रहेगा सीमा। पुस्तक पढ़ती है, वाक्य है सीमा पुस्तक पढ़ती है, जिसमें पद परिचय किया सीमा पुस्तक और पढ़ती है। रेखांकित पद इसमें तीन है, सीमा पुस्तक और पढ़ती। सबसे पहले पद परिचय किया जाएगा सीमा। सीमा जैसा कि संज्ञा शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्त्री विशेष का नाम है, और नाम वाले सभी शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसका पहला बिंदु रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग एकवचन, कारक इसमें है, पुस्तक कौन पढ़ रही है? सीमा। काम किसके द्वारा किया जा रहा है? सीमा के द्वारा। किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाएगा? कर्ता। कर्ता का नंबर पुस्तक। किसी जाति विशेष का बोध करवाती है, किसी वर्ग विशेष का बोध करवाती है। अगर इस पुस्तक में किसी भी पुस्तक का नाम हो, पुस्तक के अंतर्गत किसी भी पुस्तक का नाम हो, जैसे क्षितिज नाम आ गया, ठीक है, अंतरा नाम आ गया, प्रज्ञा प्रभा नाम आ गया, तो ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जबकि यहाँ पुस्तक शब्द है, पुस्तक किसी वर्ग का बोध करवाती है, किसी समुदाय किसी वर्ग विशेष का बोध करवाती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जातिवाचक संज्ञा पुस्तक शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग पुस्तक एकवचन। पुस्तक शब्द में कौन सा वचन है? एकवचन। अब ध्यान दें, इसमें कारक और देखेंगे, बाकी को ध्यान से पढ़ेंगे। सीमा पुस्तक पढ़ती है, सीमा कर्ता हो गया, पढ़ती क्रिया क्या पढ़ती है? पुस्तक, तो पुस्तक क्या कहलाएगा? कर्म। कौन सा कारक होगा इसमें? कर्म कारक। इसके बाद है पढ़ती है, पढ़ती है क्रियापद है ये। क्रिया दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म पाया जाता है वो सकर्मक क्रिया। जैसा कि हमें ज्ञात हो गया, इसमें कर्म है तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। ती है, ते है, ती ता है वर्तमान का, लेकिन काल हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे इसमें लिंग कौन सा है, क्योंकि पढ़ती है किसके साथ है? सीमा के साथ है। सीमा को हमने क्या माना है? या स्त्रीलिंग, तो यह भी क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। एक वचन और काल इसमें हो जाएगा वर्तमान का। इन सबसे अलग उदाहरण जैसे मैं खाता हूं, वाक्य मैं खाता हूं, पद परिचय किया इसमें मैं का और खाता है, खाता हूं का। मैं जो है इसमें ये सर्वनाम शब्द है, क्योंकि किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है ये, या मैं का किसी नाम तो होगा ही, लेकिन यहां मैं किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। मैं का पद परिचय किस प्रकार से किया जाएगा? मैं सर्वनाम है ये। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला बिंदु इसमें होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखेंगे पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, इसमें तीन पुरुष पाए जाते हैं, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो मैं है ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो उत्तम पुरुष। मैं किसके अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुष के। तो पहला बिंदु हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। अब मैं यहाँ देखिए, मैं कॉमन एक तरह से,
ये दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, स्त्री जाति के लिए भी और पुरुष जाति। पता कैसे लगाएंगे इसमें कि पुल्लिंग है स्त्री, लास्ट में देखेंगे। अगर ती हूँ होता तो स्त्रीलिंग होता, यहाँ क्या है ता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा पुल्लिंग। और एक बचन कारक इसमें वही हो जाएगा कर्ता का, खाता हूँ क्रियापद है, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया इसमें देखेंगे, मैं खाता हूँ क्या खाता है पता नहीं, जिसमें कर्म नहीं होता कौन सी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया, लिंग पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ इसको क्या माना है पुल्लिंग माना है, ठीक है। और एक वचन वर्तमान, इस प्रकार से इसका पदपद्य किया सर्वनाम पदों का। जैसे बालक हंसता है, ध्यान से देखेंगे बालक हंसता है वाक्य है, इसमें पद परिचय किया है हमने, करने जा रहे हैं रेखांकित पद है बालक और हंसता, बालक बालक नाम नहीं किसी का, जाति का बोध है, जाति का बोध करवाता है, ठीक है, किसी वर्ग विशेष का बोध करवाता है, तो किससे संज्ञा पद पर आ रहे हैं हम, बालक है वो किसी जाति का बोध करवाता है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बालक हंसता है, अकेला बालक हंस रहा है, ठीक है, एक वचन बालक पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग एक वचन। हंसता है क्रियापद है, क्रिया दो प्रकार की, जैसा कि आपको बार बार बता रहे अकर्मक सकर्मक, हंसता है कोई कर्म नहीं है, कौन सी क्रिया हो जाएगी अकर्मक क्रिया। हंसता है, ठीक है, पुल्लिंग, अगर होता बालिका हंसती है तो स्त्रीलिंग, एक वचन वर्तमान का। इस प्रकार से उदाहरण का क्या किया पद परिचय। नेक्स्ट एग्जांपल ये थोड़ा अलग है, वह गाना गाता है, रेखांकित वह गाना और गाता है, सबसे पहले पद परिचय करेंगे हम वह का। देखिए वह किसी व्यक्ति के नाम के लिए आया है, जबकि उसका कोई नाम है, तो यह कौन सा पद है सर्वनाम, सर्वनाम शब्द ही, कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि अभी आपको बताया था तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वह जो है वो किसके अंतर्गत आएगा अन्य पुरुष के अंतर्गत, यहाँ कौन सा पुरुष हो जाएगा अन्य पुरुष। लिंग देखेंगे, वह गाना गाता है, ता है ती है ते है, वर्तमान का तो है, ठीक है, लेकिन इसमें देखो इसमें क्या है लिंग कौन सा आएगा पुल्लिंग, और एक हो जाए कारक कौन सा कर्ता कारक लिख सकते हैं, गाना जाति का बोध करवा रहा है जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन,
ध्यान दे, वह कविता गाता है, वह कविता गाता है। अगर कविता शब्द होता तो स्त्रीलिंग होता, कौन सा लिंग होता? स्त्रीलिंग। लेकिन यह गाना शब्द तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अब देखो इसमें कारक कौन सा है? वह गाना गाता है, वह करता हो गया, गाता क्रिया है, क्या गा रहा है? गाना। तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। लास्ट गाता है, क्रिया। बार बार आ चुके हैं ऐसे उदाहरण, अब खुद करने का प्रयास करेंगे। गाता क्रियापद है, कौन सी क्रिया है? इसमें कर्म की प्रधानता है, तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन, काल कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल। इस प्रकार से इन उदाहरण को क्या कर रहे हैं? पद बन रहे। रमेश खिलौनों से खेलता है, पद पद करेंगे रमेश का, खिलौनों से और खेलता है। सबसे पहले रमेश को देखेंगे, रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग एक वचन, कौन खेल रहा है? रमेश। काम किसके द्वारा किया जा रहा है? रमेश के द्वारा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। खिलौनों से, खिलौने नाम नहीं है किसी का, जाति का बोध करवा रहा है, वर्ग विशेष का बोध करवा, जातिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग वचन, ध्यान दे, खिलौनों से, खिलौने एक वचन, खिलौने 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 बहुवचन, यानी बहुत सारे खिलौनों से खेल रहे हो। अब ध्यान देंगे कारक, खिलौनों से भी भक्ति है, यहाँ दिख रही होगी आप, से खिलौने से का मतलब के द्वारा, से का मतलब के द्वारा, कहने का मतलब है ये माध्यम, किसका बोध करवा रहा है? माध्यम। अतः कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। यहाँ एक विभक्ति से अपादान की भी होती है, अपादान कारक की विभक्ति भी से होती है, जो किसका बोध करती है? अलगाव का, मतलब अलग होने का। अतः यहाँ कौन सा कारक है? करण कारक। ये कारक आपको याद करने पड़ेंगे। खेलता है, खेलता है, खेलता है क्रियापद है। अब ध्यान दें अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया, रमेश करता, खेलता क्रिया, खिलौनों से बेटा। इसमें देखो ये करण कारक है, ये माध्यम है, खिलौने, खिलौने क्या है? माध्यम है, ठीक है, कर्म नहीं। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन, एक वचन क्यों आया? क्योंकि किसके लिए आ रहा है? रमेश के साथ आ रहा है, तो रमेश का क्या क्या था यहाँ? एक वचन था, तो अभी एक वचन कहलाएगा और वर्तमान का, ठीक है।